हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जिस वीडियो में हीरो जूम 110 का कंपैरिजन होंडा एक्टिवा 6G के साथ करने वाले हैं, जो एच स्मार्ट के साथ अभी लॉन्च हुई है। दोनों स्कूटर अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है। हालांकि एक्टिवा 6G को ही एच स्मार्ट नाम से थोड़े से अपडेट के साथ लॉन्च किया गया है, लेकिन हीरो जूम है ये लेटेस्ट नए फीचर्स के साथ, नए लुक के साथ लॉन्च की गई है। ऐसे में इसमें कोई आप 110 सीसी में कोई स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, ऐसे में ये भी आपकी दोनों पसंद बन सकती है। लेकिन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है, फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, माइलेज क्या मिल जाती है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हमारे इस चैनल पे गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो कि 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर किसी 2 विनर्स को गिफ्ट दिए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं कि कलर ऑप्शन क्या आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप हीरो जूम लेंगे तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें टोटल 5 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें स्पोर्ट रेड, पोल स्टार ब्लू, ब्लैक, मैट ऑरेंज और आपको एक पर्ल सिल्वर व्हाइट मिल जाती है। लेकिन होंडा एक्टिवा एच स्मार्ट लेते हैं तो इसमें भी आपको 3 वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें टोटल 6 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें डिसेंट ब्लू मेटेलिक, पर्ल सिरेन ब्लू, ब्लैक, पर्ल प्रिसिस व्हाइट, रेबल रेड मेटेलिक और मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक मिल जाती है। तो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा कलर ऑप्शन आपको एक्टिवा एच स्मार्ट में जरूर देखने को मिल जाती है। बाकी अगर लुक की अगर बात करें तो हीरो जूम का लुक देख सकते हैं। नए स्पोर्टियस सेगमेंट की ये स्कूटर आपको मिल जाती है, जहाँ पे हेड के ऊपर आपको काफ़ी अच्छी काउल मिल जाती है, जहाँ पे टर्न इंडिकेटर लाइट भी दिया गया है। फ्रंट एपटर्न पर आपको एच शेप का DRS भी देखने को मिल जाती है, यहीं पर हेडलैम्प भी दिया गया है। इसके अलावा अगर आप इसका टॉप मॉडल लेंगे तो यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग लाइट भी देखने को मिल जाती है। तो फ्रंट से ओवरऑल लुक देख सकते हैं, यहाँ पर डुअल टोन कलर आपको मिल जाती है। साइड व्यू भी देख सकते हैं, फ्लोर बोर्ड थोड़ी सी छोटी जरूर दी गई है, लेकिन आपको लंबी सीट मिल जाती है। और इसमें आपको ग्रैब रेल पीछे के साइड नहीं मिलता है, बल्कि इंटीग्रेटेड यहाँ पे ग्रैब रेल दिया गया है। साइड में जूम की बैजिंग मिल जाती है, एस्टेक का स्टिकर लगा हुआ है। इसके अलावा एग्जॉस्ट सिस्टम देख सकते हैं, काफ़ी स्पोर्टी और मस्कुलर रखा गया है। तो अगर इसके रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे जैसा हेडलैम्प सेक्शन दिया गया वैसे सेम डिजाइनिंग की टेल लैम्प सेक्शन में दी गई है। इसके अलावा इसका टर्न इंडिकेटर लाइट देख सकते हैं, मोटरसाइकिल टाइप दी गई है अलग से। तो कुछ इस तरीके के लुक के साथ आपको हीरो जूम मिल जाएगी। लेकिन वही अगर आप होंडा एक्टिवा लेते हैं तो इसका लुक आप देखते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, सेम उसी डिजाइनिंग का ये भी मिल जाता है एच स्मार्ट, जहाँ पे इसके हेड पे आपको हेडलैम्प मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर लाइट दिया गया है। फ्रंट एपटर पे आपको क्रोम और ब्लैक फाइबर का आपको पार्ट देखने को मिल जाता है। तो वहीं साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स नहीं मिलती है। फ्लोरबोर्ड पे स्पेस ठीक ठाक दिया गया है, लंबी सीट भी मिल जाती है, पीछे ग्रैब रेल दिया गया सिल्वर कलर का। साइड में एक्टिवा एच स्मार्ट का बैजिंग मिल जाता है, एग्जॉस्ट सिस्टम पहले की तरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रियर व्यू की बात करिए तो यहाँ पे इसका टेल लैम्प डिजाइन देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड आपको टेल लैम्प और टर्न इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक्सटर्नल फील फिलिंग यहीं पे दी गई है। तो कुछ इस तरीके के लुक के साथ एक्टिवा एच स्मार्ट मिल जाती है। दोनों का आपने लुक देख लिया है, एच स्मार्ट का लुक पिछले कई समय से ऐसे देखने को मिल रही है, एक्टिवा 6G, एक्टिवा 5G सेम लुक मिल जाती है, वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन हीरो जूम लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको नया फ्रेश लुक मिल जाता है। तो लुक वाइज आपको जो पसंद है उसको ले सकते हैं। बाकी इंजन की बात कर लेते हैं, इंजन पावर आपको क्या देखने को मिलती है। हीरो जूम में 110.9 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। लेकिन वही अगर आप एच स्मार्ट लेते हैं तो इसमें 109.51 सीसी का 4-स्ट्रोक SI प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दी गई है। दोनों 110 सीसी में आती है। लेकिन पावर फिगर की बात करें तो हीरो जूम की जो इंजन है 7250 RPM पर 8.15 PS का पावर, जबकि 5750 RPM पर 8.70 Nm का टॉर्क जनरेट कर दिया है। तो ये जो एच स्मार्ट है इसका जो इंजन है 8000 RPM पर 7.84 PS का पावर, जबकि 5500 RPM पर 8.90 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसके अलावा जो हीरो जूम है इसमें आपको कीक और सेल्फ स्टार्टर मिल जाता है सभी वेरिएंट में। लेकिन एक्टिवा एच स्मार्ट लेते हैं तो इसके स्टैंडर्ड और डिलक्स मॉडल में आपको कीक और सेल्फ स्टार्टर मिल जाता है। लेकिन एच स्मार्ट जो टॉप मॉडल है यहाँ पे केवल सेल्फ स्टार्टर दिया गया है, कीक स्टार्टर हटा दिया गया है। तो ये आपको डिफरेंस मिल जाता है। बाकी आप ओवरऑल पावर फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे हीरो जूम में जो पावर है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन जो टॉर्क है एच स्मार्ट में बेहतर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो टॉप स्पीड है आपको हीरो जूम में बेहतर देखने को मिलेगी, लेकिन जो इनिशियल पिकअप है वो आपको एक्टिवा में बेहतर देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल आपको ये डिफरेंस मिल जाता है यहाँ पे। बाकी अगर सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो हीरो जूम के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर और रियर में यूनिट स्विंग विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन लगा हुआ है। तो एक्टिवा 6G में भी आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 3-स्टेप एडजस्टेबल यूनिट स्विंग सस्पेंशन मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों में सस्पेंशन फ्रंट में टेलीस्कोपिक यूज किया गया है ताकि ये ज्यादा ड्यूरेबल रहे, थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, खराब सड़कों पर भी चलाया जा सके। बाकी टायर और ब्रेक्स की अगर बात करें तो हीरो जूम में फ्रंट के साइड 90x90 का 12 इंच और रियर में 90x90 का 12 इंच जो कि इसके LX वेरिएंट मिलेगा।
और एक ऑप्शन मिल जाता है 100 बाई 80 का 12 इंच का, जो कि VX और ZX वेरिएंट मिलेगा, यानी कि चौड़े टेस्ट का आपको रियर में ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन एक्टिवा एच स्मार्ट लेते हैं जिसके फ्रंट में 90 बाई 90 का 12 इंच और रियर में 90 बाई 100 का 10 इंच का ट्यूब स्टार दिया गया है, तो टायर साइज में भी हमको अंतर मिल जाता है। हीरो जूम में फ्रंट और रियर दोनों में आपको 12 इंच मिल जाते हैं, लेकिन एक्टिवा में फ्रंट में 12 इंच और रियर में 10 इंच दिया गया है। इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो हीरो जूम में फ्रंट में 190mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक ऑप्शन मिल जाता है, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन एक्टिवा एच स्मार्ट लेते हैं तो इसके फ्रंट और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, यानी कि डिस्क ब्रेक अगर आपको चाहिए तो हीरो जूम में मिलेगा, एक्टिवा में आपको किसी वेरिएंट में डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा दोनों में आपको अलाउवेस मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप हीरो जूम का बेस वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे आपको सीट मेटल व्हील मिलेगी, तो ये एक्टिवा का भी अगर आप बेस वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे आपको सीट मेटल व्हील मिलेगा, तो ये आपको डिफरेंस मिल जाता है टायर बैग्स में। बाकी इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स में कितना डिफरेंस है। हीरो जूम में IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, तो ये एक्टिवा में आपको CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। हीरो जूम में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ HSF का DRS देखने को मिल जाती है, टेल लैम्प में भी LED लाइट लगा हुआ है। इसके अलावा इसके टॉप मॉडल में आपको हीरो इंटेलिजेंस कॉर्निंग लाइट भी मिल जाती है, यानी कि अगर आप टर्न लेंगे तो वहाँ पे भी आपको लाइट ऑटोमेटिक जल भी जाएगी और लेफ्ट और राइट में आपको अच्छी से विजिबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन एक्टिवा लेते हैं तो इसमें आपको LED लाइट और हेलोजन लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको DRS वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। हीरो जूम में आपको डिजिटल एनालॉग मीटर और फुली डिजिटल मीटर का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा टॉप मॉडल में एक्सटेक यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है, जहाँ से स्पीड फ्यूल ऑडोमीटर की जानकारी तो मिलती ही है। इसके अलावा यहाँ पे रियल टाइम माइलेज, क्लॉक, लो फ्यूल इंडिकेटर, इनकमिंग कॉल अलर्ट, कॉलर ID, मिस कॉल अलर्ट, फोन बैटरी लेवल, ये सारी जानकारी भी देखने को मिल जाती है। हालांकि इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप होंडा एक्टिवा लेते हैं तो इसमें आपको बेसिक सा एनालॉग मीटर मिलता है पहले की तरह, यहाँ पे स्पीड फ्यूल ऑडोमीटर की जानकारी मिल जाती है। लेकिन एक्टिवा में एक चीज़ आपको ऑप्शन मिल जाता है एच स्मार्ट का, यानी कि होंडा स्मार्ट की का, जिसके जरिए आपको चार अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस स्मार्ट की में आपको स्मार्ट फाइंड का मिल जाता है, यानी कि अगर आप पार्किंग में अपने स्कूटर को रखे हुए हैं तो की के मदद से आप प्रेस करके पता कर सकते हैं कि आपका स्कूटर कहाँ पे है, आपके स्कूटर में ब्लिंकर्स ऑन हो जाएंगे। दूसरा मिल जाता है स्मार्ट अनलॉक, यानी कि आपकी जो सीट है फ्यूल फिलिंग हो रिमोट के जरिए बिना चाबी लगाए भी आप ओपन कर सकते हैं। स्मार्ट स्टार्ट यानी कि बिना चाबी लगाए आप स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, केवल आपके पास स्मार्ट की होना चाहिए। इसका अच्छा होता जो इसका फीचर मिल जाता है स्मार्ट सेफ का, यानी कि एंटी थेप अलार्म दिया गया है, यानी कि अगर अपने स्कूटर के रेंज से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो स्कूटर ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाएगी। तो ये आपको फीचर्स एच स्मार्ट मिल जाता है स्मार्ट की मदद से, तो ऐसा फीचर आपको जूम में देखने को नहीं मिलेगा। हीरो जूम में आपको एथरेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि होंडा एक्टिवा में इंजन की स्विच दिया गया है। हीरो जूम में आपको फ्रंट में ग्लोव बॉक्स मिल जाता है और USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए, लेकिन होंडा एक्टिवा में आपको फ्रंट में कोई भी ग्लोव बॉक्स देखने को नहीं मिलता है। हीरो जूम में आपको अंडर स्टोरेज मिल जाती है, जहाँ पे बूट लाइट ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन एक कमी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इसके बूट को ओपन करने के लिए आपको चाबी पीछे लगानी पड़ती है। लेकिन वही अगर आप होंडा एक्टिवा लेते हैं तो इसमें भी बूट स्पेस मिल जाता है, बूट लाइट नहीं दिया गया है, लेकिन इसके सीट को ओपन करने के लिए आपको चाबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बटन प्रेस करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छा मिल जाता है यहाँ पे एक्टिवा में। हीरो जूम में आपको सीट के नीचे फ्यूल फिलिंग मिल जाती है, कहीं ना कहीं ये भी एक थोड़ी सी कमी है इस स्कूटर में, लेकिन वही होंडा एक्टिवा में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाती है। हीरो जूम में आपको लंबी सीट मिल जाती है, इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल दे दिया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया है, और ये होंडा एक्टिवा में आपको पीछे ग्रैब रेल देखने को मिल जाती है। तो ये ओवरऑल आपको फीचर्स में डिफरेंस मिल जाता है, कहीं ना कहीं जो फीचर्स है वो आपको बेहतर हीरो जूम में जरूर मिल जाती है, लेकिन कुछ कमी भी है, उसके बारे में मैंने भी आपको बता दिया यहाँ पे क्या क्या कमी देखने को मिल जाती है। तो फीचर्स वाइज अगर आपको ज़्यादा फीचर्स वाले स्कूटर चाहिए तो ऐसे में आप हीरो जूम के साथ जा सकते हैं, क्योंकि होंडा एक्टिवा में तो बेसिक से फीचर्स दिए गए हैं, बस नया स्मार्ट की दे दिया गया जिससे कि बिना चाबी लगाए भी स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपके पास स्मार्ट की होना चाहिए। बाकी माइलेज और टॉप स्पीड की अगर बात करें तो हीरो जूम में आपको लगभग 50 km/h तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगा, ट्रैफिक में चलाते हैं थोड़ा सा कम भी माइलेज मिलेगी। तो ये होंडा एच स्मार्ट लेते हैं तो इसमें भी आपको 52 km/h तक माइलेज मिल जाएगी, ट्रैफिक में चलाते हैं तो थोड़ा सा कम माइलेज मिल सकती है, माइलेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, 2 से 3 किलोमीटर का आपको फर्क देखने को मिल जाएगा दोनों में। बाकी टॉप स्पीड की बात करें तो हीरो जूम की जो टॉप स्पीड है लगभग 90 km/h तक देखने को मिल जाएगी, तो होंडा एच स्मार्ट है यहाँ पे आपको 85 km/h तक टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं जो पावर है थोड़ी सी कम एच स्मार्ट में दी गई है, जिसकी वजह से आपको स्पीड में थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो हीरो जूम की जो लेंथ है 1881mm, V717mm से लेकर 731mm, हाइट 1118mm, व्हील बेस 1300mm, ग्राउंड क्लियरेंस 155mm, सीट है 770mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.2 लीटर, और इसका जो कर्व वेट है 108kg है LX और VX वेरिएंट के साथ, 109kg है ZX वेरिएंट के साथ। लेकिन वही होंडा एक्टिवा लेते हैं तो इसका जो लेंथ है
1833 mm, V6 97 mm, height 1156 mm, wheelbase 1260 mm, ground clearance 162 mm, seat height 765 mm, fuel tank capacity 5.3 liter, इसका जो कर्व है 106 के जी स्टैंडर्ड और डिलक्स वेरियंट के साथ और 105 के जी स्मार्ट की वाले वेरियंट के साथ, तो ये आपको डिफरेंस डायमेंशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो ग्राउंड क्लियर से बेहतर एक्टिवा देखने को मिल जाती है, सीट हाइट भी एक्टिवा की थोड़ी सी कम है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी एक्टिवा में ज़्यादा मिल जाती है और यहाँ पे हल्की भी आपको एक्टिवा मिल जाती है, तो ये आपको डायमेंशन में डिफरेंस मिल जाता है। बाकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, जिससे कि आपका बजट डिसाइड होता है। तो अगर आप हीरो जूम लेते हैं तो यहाँ पे तीन वेरिएंट मिल जाते हैं, जिसका एक्स रूम दिल्ली में प्राइस एलएक्स वेरिएंट के साथ 68,599 यानी कि 68,599 रुपये तक है, वीएक्स वेरिएंट के साथ 71,799 यानी कि 77,799 रुपये तक है, तो वहीं जेडएक्स वेरिएंट के साथ 76,699 यानी कि 76,699 रुपये तक है। तो वहीं तीनों वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो एलएक्स वेरिएंट अप्रॉक्स दिल्ली में 80,100 यानी कि 80,100 रुपये के आसपास मिल जाएगी, वीएक्स वेरिएंट 84,000 रुपीज़ यानी कि 84,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, तो इसका जो ZX वेरिएंट है 88,500 यानी कि 88,500 रुपये के आसपास से मिल जाएगी। लेकिन वही एक्टिवा एच स्मार्ट लेते हैं तो इसमें भी तीन वेरिएंट मिल जाता है, जो बेस वेरिएंट है स्टैंडर्ड वेरिएंट, उसका एक्सरूम प्राइस 74,536 यानी कि 74,536 रुपये तक है, डिलक्स वेरिएंट के साथ 77,036 यानी कि 77,036 रुपये तक है, तो वहीं एच स्मार्ट के साथ 80,537 यानी कि 80,537 रुपये तक है। अगर इसके ऑनर प्राइस की बात करें तो प्रॉक्स दिल्ली में स्टैंडर्ड वेरिएंट 87,300 यानी कि 87,300 रुपये के आसपास मिल जाएगी, डिलक्स वेरिएंट 90,000 रुपीज़ यानी कि 90,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, तो इसका जो एच स्मार्ट है 93,500 यानी कि 93,500 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो ओवरऑल आपको प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर प्राइसिंग में कंपेयर किया जाए तो दोनों में आपको तीन तीन वेरिएंट मिल जाता है, तो यहाँ पे जरूर आपको थोड़ी सी सस्ती हीरो जूम मिल जा रही है, क्योंकि इसका बेस वेरिएंट एक्टिवा से स्टैंडर्ड वेरिएंट से काफ़ी सस्ती है, इसके अलावा मिडिल वेरिएंट भी सस्ती है, इसके अलावा टॉप मॉडल भी हीरो जूम का काफ़ी सस्ता है एक्टिवा के मुकाबले में, लगभग आपको 4,000 रुपये तक सस्ती हीरो जूम मिल जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्राइस में आपको डिफरेंस जरूर मिल जाता है, अगर आप 4 से 5,000 रुपये तक बचाना चाहते हैं ऐसे में आपको हीरो जूम मिल जाती है, क्योंकि हीरो जूम लगभग 4 से 5,000 रुपये तक सस्ती है होंडा एक्टिवा के मुकाबले में। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसके साथ जाना है, किसके आपको फीचर्स पसंद आते हैं, किसका लुक पसंद आता है, ये सारी चीज़ आप पे डिपेंड करती है। बाकी जितने भी डिफरेंस थे ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं, और इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।